नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा, आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नजर। बस स्टैंड के दुकानदारों ने भी मांगा मुआवजा, कहा बाढ़ के कारण नहीं हुआ धंधा। विधायक भार्गव ने प्रभावितों के जाने हाल, सरकार से तत्काल मदद की मांग। शनिश्चरी अमावस्या पर पूजन अर्चना करने लगा तांता, नवग्रह शनिदेव मंदिर पर उमड़े श्रद्धालु। एसटीआई में लगा रोजगार मेला, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। और मोबाइल हड़पने के लिए 8 साल के बच्चे की हत्या, श्रवण क्षेत्र का मामला। समाचार विस्तार से। बस स्टैंड क्षेत्र के दुकानदारों ने भी प्रशासन से मुआवजा मांगा है। इन दुकानदारों का कहना था कि पानी से नुकसान हुआ है तो बाढ़ के कारण उनका धंधा नहीं हुआ है। हालांकि इन दुकानदारों को पूर्व कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने अतिक्रमण बताकर यहां से हटाने की चेतावनी दी थी। कलेक्टर महोदय को भी जाना आवश्यकता नहीं, वो आएगा हमारे पास। हमारी टीम सर्वे करने आपसे निवेदन है। सर एक बार हाथ लगा लीजिए, होया साथ होया सब जाना। विधायक शशांक भार्गव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, प्रभावितों से चर्चा कर सरकार से जल्द राहत दिलाए जाने की मांग की। आवास योजना की किस्त भी हितग्राहियों के खाते में डालने की विधायक ने मांग की। निरीक्षण किया जा रहा है, कौन सा इलाका नदी पूरा क्षेत्र में पूरे घरों में पानी भरा हुआ था, भारी नुकसान हुआ है। कई हमारे साथियों बेचारे गरीबों के घर गिर गए हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन कर लिया था और आपके माध्यम से पुनः कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जिनके घर गिर गए हैं उन्हें कुटीर का पैसा तुरंत डाला जाए। अभी एक समस्या और भी यहाँ सामने आई है कि कुछ लोगों के पास पट्टे नहीं हैं, पट्टे की वजह से कुटीर नहीं मिल रही है। तो इसमें ये भी हमारा आग्रह है कि पट्टे हों ना हों। आवेदन दिया है, शिकायत दी गई है, कुछ लोग क्या था उम्र कैसे की? हाँ, ये बस स्टैंड निवासी लोग हैं जिनकी दुकानें हैं वेल्डिंग उपकरण आदि की, जिसमें पानी भर गया था। लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ सर्वे नहीं किया जा रहा है। मैंने संबंधित पटवारी को अभी फ़ोन करके बताया है कि सभी चीज़ों का आप सर्वे करें, ऐसा कहीं नहीं है कि किसी का नुकसान हुआ हो और सर्वे ना हो, तो इसलिए हर चीज़ का सर्वे करना अनिवार्य है। तो पटवारी जाकर सर्वे कर रहा है। शनिश्चरी अमावस्या पर बैतवा तट स्थित श्री नवग्रह शनिदेव मंदिर पर सुबह से ही पूजन अर्चना करने भक्तों का तांता लगा हुआ था। यहां पर पूजन अर्चना कर आशीर्वाद लिया गया और मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना की गई। सीता राम सीता राम सीता राम।
आज के दिन बहुत बड़ा पर्व माना है अमावस का, और जनता हारे जा रही है, वो बाढ़ में हमें कारण संपूर्ण व्यवस्था नहीं बना पा रहे, अपनी मेहनत लगाई लोगों ने, नगर पालिका वालों ने लगवाई, सब काम करो, मैंने व्यवस्था और भी बनाई, राज वालों राज की व्यवस्था बनाई, मैंने भगवान को सबको भलो करे शनि महाराज, वो गंगा मैया की कृपा बहुत बड़ी हो गई, भावी रक्षा कर गई सबको। एसटीआई कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा द्वारा किया गया। यहां पर अनेक कंपनियों ने बेरोजगार युवाओं को चयनित कर रोजगार देने का दावा किया है। लक्ष्मी केवल जी, श्री इंदर सिंह केवल जी, श्री राजेंद्र रैगवार जी, श्री महेश रैगवार जी, श्री शैलेंद्र सिंह, और इसके साथ ही कुछ ही समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 7,000 रुपए राशि का श्री गृह हमारे सामान्य अतिथियों के कार्यक्रमों के द्वारा के लिए मतदान राशि का स्वीकृति किया जा रहा है। श्रीमती वर्षा कुशवाहा जी, लक्ष्मी केवल जी आपको ऑटो, सीमा शर्मा, सतवंत सिंह यादव, मुकेश अहरवाल, सीमा शर्मा जी, सैयद फहद अहमद मत्स्य विभाग के हमारे ग्राही भाई हैं, एवं श्रीमती लक्ष्मी केवल। मध्य प्रदेश शासन के दर संकल्प लिया है कि हमारे प्रदेश से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। हमारे मुख्यमंत्री साहब प्रदेश के उठाने समस्त प्रयास रखते हैं, आप सभी को रोजगार से अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। भारत माता की जय। रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पे रोजगार शुरू करने के लिए जो योजनाएं विभिन्न योजनाएं शासन की हैं उनके तहत लोगों को लोन दिया गया है। उसके पीछे मंशा ये है कि वो नौकरी देने वाले बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि वो अपना काम धंधा शुरू करें। सरवन क्षेत्र के भगवंतपुर के पास मोहनखेड़ी के खेत में 8 साल के मासूम की हत्या कर उसको दफनाने का मामला सामने आया है। बालक के पास एक मोबाइल था जिसे हड़पने के लिए मारकर दफनाने की बात ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। अपन जवानी मारते तो चक्कर में तो पूरा आदमी के जाने को लड़की बचा वाले भी टेंशन मत लो। कितना शौक है यार टीवी पे आने का, टीवी पे आने का कितना शौक है। हमारी मांग प्रशासन से यही है कि उक्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा तथा फांसी और उनके मकानों पर बिल्डोजर तत्काल आज ही उपलब्ध कराया जाए
और उनको धराशायी किया जाए, जिन्होंने सूरज धाकड़ की मृत्यु दिनांक बीती रात 27/8/2022 को की है। हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि उच्च से उच्च कार्रवाई की जाए। सर क्या मामला है, लोगों को चक्का जाम कर रहे हैं, इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं, आखिर क्यों इनकी समझाइश इनको नहीं किया? ये भगवंतपुर में रोड पर जाम लगाया है। यहाँ एक बालक था 10-11 साल का, जो कि 29 तारीख को लापता हो गया था जैसे, तो उसे जब आज कल रात को जब मालूम पड़ा है कि यहीं के गांव के किसी व्यक्ति ने उसका खेत में मर्डर करके और वहाँ छोड़ दिया था, तो वो बॉडी मिल गई है। जो उसके जो कि आरोपीगण थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद इनको ये जो मांग है उस संबंध में कि मुआवजे के संबंध में एक इनकी मांग है, तो मुआवजे के लिए हमने कहा है कि चूंकि ये आपराधिक केस है तो इसमें मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए हम बेनिफिक देंगे उनको, मुख्यमंत्री से ही, वहाँ से मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से ये काम हो सकता है। ये जाम कितने बजे से लगा हुआ? ये लगभग अब इसमें 2 घंटे करीब हो गए। कितने आरोपी गिरफ्तार किए हैं? 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। सरोइन लटेरी रोड पर एक मैजिक ऑटो चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, लिहाजा बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरे को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया है। से तो खाली करने पड़े हैं। अरे ये पता है, रुको रुको, अरे वहां इधर है, ये लोग घंटा करे नहीं हुआ। अरे ओ तो सही यार, जरा घंटा कोई मरीज तो नहीं है? हर साल जन्माष्टमी के बाद मनाए जाने वाले नंद महोत्सव इस बार बाढ़ के कारण लेट हो गया था। अब यह नंद महोत्सव कल रविवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। मुख्य मार्गों से जुलूस निकलेगा, इसमें शामिल युवा जगह जगह दही की पटकी फोड़कर उत्सव मनाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मई न्यूज आपके साथ है। आप दीजिए हमें इजाज़त, आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।